नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। SC ST एक्ट के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक व अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा सिंह चौहान के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। गांधी भवन में एकत्रित होकर नुमाइश चौराहा होते शहर के प्रमुख मार्गों से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें SC ST एक्ट उच्चतम न्यायालय अनुसार लागू किए जाने की मांग की गयी। कानून में जो परिवर्तन किया गया था उसको बदल करके काले काले कानून की संज्ञा जैसा अध्यादेश बनाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग आज धरना करते हैं और 13 तारीख से कलेक्ट्रेट प्रांगण में क्रमिक अनशन होगा और 26 तारीख से आमरण अनशन पर मैं बैठ जाऊंगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं इस समस्या को लेकर के जागरण करने का काम किया जाएगा। हमारी इसमें 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार ही किया जाए, श्रवण आयोग बनाया जाए, श्रवणों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।